यदि कोई पितृ घर के पूर्वज घर के बुजुर्ग घर के बूढ़े भविष्य पुराण कर रही है, अगर घर का बुजुर्ग घर के बूढ़े घर के पितृ जो चले गए सपने में दिख रहा है, और कहां दिख रहा है, आप सो रहे हैं और आपके सिर के पास आपके बुजुर्ग खड़े हैं, आपके पितृ खड़े हैं, आपके घर के वृद्ध लोग खड़े हैं, ये आपको सपने में दिख रहा है, तो समझ लेना जरूर 15 से 20 दिन के अंदर मेरे यहां कोई खुशखबरी आने वाली है, निश्चित है कोई खुशखबरी मिलने वाली है। यह हमारे यहां भविष्य पुराण कहती है। और यदि वही पितृ वही पूर्वज वही घर के बूढ़े वही बुजुर्ग हमारे पांव के पास स्वप्न में नजर आ रहे हैं कि मेरे पांव के पास बैठे हैं, समझ लेना कि घर में किसी ना किसी को एक बड़ी बीमारी जरूर घेरने वाली है, कोई रोग आने वाला। और वही पितृ वही पूर्वज वही पितर वही घर के बुजुर्ग वही बुढ़े वही बूढ़े जो मर चुके हैं वो तुम्हारे सपने में अचानक आए और आकर तुरंत चले जाए तो भी समझ लेना कि कोई कष्ट आने वाला था, पर वो ज्यादा समय टिकेगा नहीं, तुरंत चले जाएगा निश्चित। फिर वर्णन किया भविष्य पुराण में, मान लो घर के बुजुर्ग घर के पितर मरे हुए व्यक्ति जो मर चुके हैं वो सपने में आपको नजर आ रहे हैं और लगता है कि हमारे घर की दीवार पर बैठे हैं या पेड़ पर बैठे हैं या वृक्ष पर बैठे हैं, स्वप्न में आप उनको ऊपर बैठा हुआ देख रहे हो, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की तरक्की का योग बन गया है और बच्चों का या तो विवाह होगा या उसकी नौकरी लगेगी, या तो तरक्की हो रही है या विवाह होगा या नौकरी लगेगी, निश्चित है। ये भविष्य पुराण का, हमारी पुराणों में बहुत कुछ लिखा है कि आप अगर केवल पुराणों का स्मरण कर लें, केवल पुराणों को अगर पढ़ लें तो जीवन की सार्थक, हमसे कई लोग